हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन मैनेजमेंट। माय नेम इज शुभम तिवारी और आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। कॉमर्स के बच्चों के लिए, मैनेजमेंट के बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम बना रहता है कि सर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहाँ से पढ़ें, जिसमें आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है और रिसर्च मेथड है, तो वो हम कहाँ से पढ़ें। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिए हैं। आज जो हमारा पहला क्लास है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, तो आज डिटेल में पूरी स्टैटिस्टिक्स कवर कराई जाएगी। आज पहली वीडियो है, ध्यान रखिएगा। आज वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। पहले इंट्रोडक्शन से बात होगी हमारी, ठीक है। इससे पहले, इंट्रोडक्शन से बात होने से पहले, हमें सबसे पहले ये देखना है कि भैया आपका सिलेबस क्या होने वाला है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले सिलेबस हम देख लेते हैं कि सिलेबस में जब भी आप कॉमर्स का सिलेबस विजिट करिएगा, आप यूजीसी नेट का, क्लियर, तो आपको सिलेबस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि है यूनिट नंबर 5 आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। उसके अंदर आपको सेंट्रल टेंडेंसी की बात करनी है हमें, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस की बात होगी, प्रोबेबिलिटी की बात होगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमारा स्टैटिस्टिक्स है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे अपने रिसर्च के बारे में। रिसर्च में सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, डेटा कलेक्शन की बात होगी, ठीक है, सैंपलिंग की बात होगी, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग की बात होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी मेथड्स की बात होगी, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग की भी बात होगी, जिसमें बहुत सारे हम टेस्ट लगाते हैं, लाइक टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, का स्क्वायर टेस्ट हो गया, आपका अनोवा हो गया। तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉमर्स का सिलेबस। और याद रखिएगा कि जो भी मैनेजमेंट के भी बच्चे हैं ना, तो वो पूरा का पूरा इसी में इंक्लूड है ना, अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर। चलिए, तो आज हमारी पहली क्लास है स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम आपको ये बताई जाएगी कि आप स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हो, क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि स्टैटिस्टिक्स है ना एक लैटिन वर्ड है, स्टेटस, ठीक है, और आप इटालियन वर्ड भी देख सकते हो और जर्मन वर्ड भी है ये स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और एक ग्रीक वर्ड भी है। देखिए, चार वर्ड है आपका, लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड, जर्मन वर्ड और ग्रीक वर्ड, ठीक है। लैटिन वर्ड में आप स्टेटस बोलते हो, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा बोलते हो, जर्मन में स्टैटिस्टिक और ग्रीक में स्टैटिक, क्लियर। उसका एक ही मतलब होता है इन चारों का, जो कि होता है पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है। अब जब भी स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं, अगर मैं बोल दूं आपसे कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो सभी लोगों में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग फैल जाता है, ठीक है। कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स को क्या मानते हैं, डेटा के रिगार्डिंग कंपैरिजन करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्स ऑफ मेजरमेंट मानते हैं, कुछ लोग कुछ भी मान सकते हैं, राइट। तो द व्यूज कॉमनली हेल्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरसली ऑफन इनकम्प्लीट। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, हम अगर क्रिकेट फैन हैं, हम मैच देखते हैं, अभी IPL का सीजन चल रहा है, तो फॉर अ क्रिकेट फैन अब स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है, जैसे विराट कोहली बैटिंग करने आए तो उनका एवरेज हो गया, कितने शतक बनाए हैं, कितने 50s बनाए हैं उन्होंने, है ना, कितना विकेट लिया होगा उन्होंने, तो ये सारे उनके बारे में स्टैटिस्टिक्स होता है, क्लियर। सिमिलरली आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट से मिलिएगा, तो वो क्या, उनके बारे में क्या स्टैटिस्टिक्स होगी, वो इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन और अदर हार्मफुल गैसेस के बारे में जितने भी एटमोसफेयर में है, तो वो उनके लिए उसके एस्पेक्ट में हो गया स्टैटिस्टिक्स हमारा। तो जनरली हम स्टैटिस्टिक्स में क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स मीन्स फैक्ट, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा, हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। हम वेदर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, जो आप न्यूज़ में जनरली देखते रहते हो, क्लियर। सिमिलरली शेयर ब्रोकर की अगर बात करें तो वो शेयर प्राइसेस के बारे में वहां बात करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आइडिया यही है कि स्टैटिस्टिक्स मतलब ही है आपका डेटा या फैक्ट्स, क्लियर है ये। अब देखिए, इन अर्ली ईयर्स स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज प्राइमरली लिमिटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हमने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो हम लिमिटेड पढ़ते थे, है ना, हमको यही पता था कि भैया स्टैटिस्टिक्स मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, क्लियर। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतता गया और टाइम बीतने के साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है वो भी चौड़ा होता गया, बढ़ता गया, क्लियर। अब स्टैटिस्टिक्स को आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, है ना, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हो, एंड नाउ इट बिकेम अ फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। अब ये एक, जब
भी आप देखा होगा आपने कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, आपने पीएचडी करना है, तो स्टैटिस्टिक्स आपका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट अपने आप में हो चुका है ना। चलिए अब सबसे पहले दो बातें करते हैं, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब दोनों में पहले मतलब समझते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है। आज जो बेसिक क्लास है हमारा ना, इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही आपका धीरे धीरे बेस बनाएगा। क्लियर। क्वालिटेटिव वेरिएबल अगर मैं बताऊं जो कि आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस न किया जा सके, जैसे मैं बोलूं कि आप बताइए कि क्या आप ऑनेस्टी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, क्या आप ब्यूटी को एक्सप्रेस कर सकते हो मैथमेटिकली, क्या आप इंटेलिजेंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं सर, तो वो वेरिएबल जो कि मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव वेरिएबल। दस वेरिएबल विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स आर नोन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्लियर। एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल की हम बात कर लें, क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो कि इसके जस्ट अपोजिट होता है क्वालिटेटिव के, जो कि आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कि नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में उसके कितने नंबर आए, लाइक 82, साइंस में 92, तो ये किसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कर रहे हो इसको किसमें, मैथमेटिक्स एक वैल्यू में, एक प्योर नंबर में। तो जो भी वैल्यू आपकी अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस हो जाए उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर। देखिए क्वालिटेटिव वेरिएबल आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर असाइंड न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट, है ना। क्वालिटेटिव वेरिएबल को तो तब तक आप क्वांटिटेटिव नहीं मान सकते हैं जबकि ये न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस ना किया जा सके। क्लियर। जैसे देखिए अब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहे थे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्या हुआ था हमारे पास, द वेरिएबल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। क्लियर। न्यूमेरिकल टर्म्स में हमने बता दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ लिटरेट, तो जहां भी नंबरिंग की हमें बात आएगी ना वहां हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं। क्लियर है इतनी बातें। चले अब हम बात करेंगे एक टेक्निकल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की बात अभी कर रहे थे तो एक प्रिसाइज मैनर में किया है आपने, ठीक है। आपने स्टैटिस्टिक्स को क्या किया है, आपने डेटा से डिफाइन किया है, आपने फैक्ट्स से डिफाइन किया है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ डेटा, स्टैटिस्टिक्स इज अ फैक्ट। क्लियर। यही आपने बोला था। लेकिन जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के एक्चुअल मीनिंग की बात करेंगे हमारे दो मीनिंग निकल के आते हैं। स्टैटिस्टिक्स को आप प्लूरल सेंस में भी पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स को आप सिंगुलर सेंस में भी पढ़ते हो। अब स्टैटिस्टिक्स को जब प्लूरल सेंस में पढ़ते हो इसका मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो भी आप कलेक्ट करते हो, फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग बोलते हैं, बट प्लूरल सेंस में। इन प्लूरल सेंस इट मींस अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, राइट। अब सिंगुलर सेंस की बात आ जाए तो सिंगुलर सेंस में हम मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। अब कैसे डील करते हो स्टैटिस्टिक्स को, मेथड में आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो भी डेटा आपने लिया है, तो जब भी आप उसके मेथड की बात करोगे वो होता है सिंगुलर सेंस का स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। तो मीनिंग क्लियर है। जब भी हम प्लूरल में बात करेंगे तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में हमें कलेक्शन लेना है इंफॉर्मेशन का। क्लियर। और सिंगुलर सेंस में जब भी बात होगी हमारी तो हम उसके मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड, डीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डीलिंग ऑफ मेथड। क्लियर। चलें अब देखिए स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा, हम बात कर रहे हैं प्लूरल सेंस के बारे में, ठीक है। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, जो कि हमारी डेटा होगी वो अफेक्ट होगी किससे, बहुत मल्टीपल कॉजेज होंगे, ठीक है। आप उस डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर पाइएगा और आप अपने डेटा को क्या करिएगा, इन्यूमरेट भी कर पाइएगा या एस्टिमेट कर पाइएगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, है ना। आपको जो भी सही लगे, जो भी आप जिस लेवल पे उसको मेजर करना चाहते हो, आप अपने डेटा को मेजर करना चाहते हो, उस स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पे आप मेजर कर सकते हो अपने डेटा पे। क्लियर। जैसे एग्जांपल, डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ फाइव टॉपर्स ऑफ
12th क्लास ऑफ स्कूल, क्लास 12th के हमारे पास फाइव टॉपर हैं, पांच टॉपर हैं, उसके बारे में आप परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज की बात कर रहे हो आप, है ना। अब इसको आप अपने अनुसार क्या कर रहे हो, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, ये हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। जब प्लूरल सेंस की बात कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी, जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, हमने एग्रीगेट ऑफ फैक्ट की बात करी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर नंबर ऑफ फैक्ट, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अ सिंगल एज ऑफ 30 ईयर इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, अगर मेरी एज है 30 साल, ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। बट अ सीरीज रिलेटिंग टू द एजेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब मेरे जैसे मान लो पांच लोग और हैं, पांच लोगों में से मेरा एज 30 हो गया, एक का हो गया 25, एक का हो गया 32, है ना, तो पांच लोगों का ग्रुप हो गया। अब ग्रुप के बारे में डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप, नंबर ऑफ ईयर आप एज रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो वो कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक्स। दस स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रिप्रेजेंट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। दूसरा नंबर, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, हमने क्या बोला था कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, डिफरेंट तरह के मल्टीपल कॉजेज से अफेक्ट होंगे। जैसे देखिए, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप से राइस, क्रॉप में हमारा क्या है, राइस है, है ना, अफेक्टेड बाय द रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड्स और मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो हमारा जो राइस है, जो हमारा क्रॉप है, वो मल्टीपल कॉजेज से देख रहे हैं ना आप कि अफेक्ट हो रहा है, और वो मल्टीपल कॉजेज क्या क्या है, आपका रेनफॉल हो गया, आपका फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गए आपके, मेथड ऑफ कल्टीवेशन हो गए आपके, क्लियर। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ राइस। हम इसको अलग अलग पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम इसको अलग अलग स्टडी ही नहीं कर सकते हैं। हम जब भी स्टडी करेंगे, आपको एक वेरिएबल क्या हो गया, फिक्स हो गया, आपको राइस के कल्टीवेशन के बारे में, राइस के प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है, और उसको प्रोडक्शन होने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हैं उसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आप आगे जाइएगा तो आप बात करेंगे, है ना, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। कि लेकिन अभी आप यही बात करेंगे कि आपका स्टैटिस्टिक्स होता है ना जो, वो अफेक्ट होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस के अंदर, क्लियर है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आपने पहले ही देखा है इसको कि हम न्यूमेरिकली जिस चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं, क्लियर। अब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कैसे करिएगा, लाइक ईशा का हाइट हो गया 154 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नंबर से, ठीक है, मोली हो गया आपको 120 सेंटीमीटर, अनन्या 60 सेंटीमीटर, तो हम हाइट के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू अवेलेबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, और ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकल वेरिएबल में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। अब चूंकि आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल को, तो ठीक है, क्या आप स्टैटिस्टिक्स को क्वालिटेटिव में भी चेक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है, लेकिन अब बात बता दूं आपको कि क्वालिटेटिव को आप नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकली, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाएगा। जैसे आपको इंटेलिजेंस को चेक नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकली, आप ब्यूटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा, आप इसको मेजर ही नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकली, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाएगा। अनटिल एंड अनलेस, ध्यान रखिएगा, अनटिल एंड अनलेस, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि क्लास में जो तीन टॉपर है, ठीक है, थ्री टॉपर, एक दो तीन, है ना, टॉपर के हम इंटेलिजेंस को चेक कर रहे हैं, तो आप पहले नंबर को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस मानते हो, इसको रैंकिंग दे दिया सर, ये इसको हम 10 स्केल जो होता है 10 के बेसिस पे आप रैंक कर रहे हो, तो पहले नंबर को आप 10 में 10 दे दिए कि इसको हम हाईएस्ट रेटिंग देंगे, ठीक है, दूसरे नंबर को आप 8 दे दिए, तीसरे नंबर को आप 9 दे दिए, तो यहां पे देख रहे हो कि आप इंटेलिजेंस को भी रैंकिंग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन नंबर, क्लियर। इसको आप क्या अब बोलोगे, स्टैटिस्टिक, है ना, स्टैटिस्टिक्स अलग से, इंडिविजुअल जब इंटेलिजेंस था तो आपका स्टैटिस्टिक्स वो नहीं था, लेकिन चूंकि आप अब आप इसको नंबर दे चुके हो, हम बोले कि हमारे में से जैसे पांच लोग हैं, हमारे में से सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है, रेटिंग करिए, ठीक है, जब जैसे ही रेटिंग की बात आ जाएगी, रेटिंग आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, तो वो आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स के दायरे में, ठीक है। चलिए, अब
हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स कैसे हम कलेक्ट करना चाहिए, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होगी ना वो मेजर कर लीजिए कि आपको जो स्टैटिस्टिक्स, चूंकि आप पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो बात किस पे हो रही है, आप डेटा के बारे में बात कर रहे हो, आप फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको लेवल ऑफ एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एज ऑब्जर्व्ड इन अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स इज नॉट इंसिस्टेड अपॉन इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज मास ऑफ डेटा इज इन्वॉल्व, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स को यहां पे अलग कर दिया गया है मैथमेटिक्स को या अकाउंटेंसी को, ठीक है। हम इसको नहीं बोल रहे स्टैटिस्टिक्स, ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स अब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, हम अकाउंटेंसी को मैथमेटिक्स को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप इसमें बहुत ज्यादा डेटा यूज करते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हो, बहुत ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इसमें, ठीक है। अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा डेटा होते हैं, तो हम इसको स्टैटिस्टिक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन कैन बी अचीव्ड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी ओनली। अब अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, उसको जनरलाइज करना है आपको, ठीक है, तो आपकी जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर सही डेटा आपने कलेक्ट किया है तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होगी वो भी हाई होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अब पांच नंबर ये है कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। आपको सबसे पहले ये बताइए कि आप किस लिए स्टडी करना चाहते हो, व्हाट आर योर पर्पस ऑफ स्टडी, ठीक है। आप कोई टॉपिक ले लिया आपने, अब टॉपिक पे आपने रिसर्च किया, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम स्टडी क्या करने वाले हैं, हमारा डेटा कैसा होगा, हम डेटा कैसे लेना चाहते हैं, आप ओपन डेटा की बात कर रहे हो, क्लोज डेटा की बात कर रहे हो, ठीक है। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी डिसाइड इन एडवांस। तो सारी चीजें जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो, जो भी आप स्टडी करना चाहते हो, उसको सारी चीजें हम कैसे डेटा को लेने वाले हैं, कलेक्ट कैसे करने वाले हैं, इंटरप्रेट कैसे करने वाले हैं, स्टडी कैसे करने वाले हैं, सारी चीजें पहले से एडवांस में तय होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगर सारी चीजें पहले से नहीं तय रहेगी ना, तो आपका जो कंक्लूजन होगा बार बार क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, राइट। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या होता है, एक डिसिप्लिन्ड वे। हम स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम डेटा को एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में कलेक्ट करते हैं, है ना। ये नहीं कि मान लेते हैं कि कोई प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस जैसे हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, तो पहला नंबर को परफॉर्म करके तभी हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरा परफॉर्म होके तभी हम तीसरे पे जाएंगे, ये नहीं करेंगे पहला हमने परफॉर्म किया उसके बाद हम तीसरे पे चले हैं, तीसरे से पांचवे पे चले हैं, ठीक है। बीच बीच में हमें छोड़ना नहीं है। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो, अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो, अगर आप चाहते हो कि जो हमने डेटा, जो हमने स्टडी किया है वो हमारा बार बार रिजल्ट वही दे, क्योंकि देखिए बार बार रिजल्ट कब वैसा देगा, आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट कब हो सकता है, जब आपने अपनी स्टडी में ऑनेस्टी दिखाई होगी। ऑनेस्टी मतलब जब आपने एक्यूरेसी के साथ अपना रिसर्च किया होगा, अपनी स्टडी की होगी, तभी आपकी डेटा क्या होगी, अच्छी होगी, आपका रिजल्ट क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा, आपका जो कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए ना वो स्टैटिस्टिक्स मैनर में होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक के बाद दूसरा स्टेप फॉलो करोगे तभी तीसरा फॉलो करोगे तभी चौथा फॉलो करोगे, ये नहीं कि एक के बाद सीधा पांचवें पे छलांग मार दिए, ठीक है। चलिए, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा इज जनरली डन विथ मोटिव टू कंपेयर। अब डेटा किस लिए आप लेते हो, ताकि आप कंपेयर कर सको, ठीक है। इफ द फिगर कलेक्टेड आर नॉट कंपेयरेबल देन दे लूज लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। अब डेटा को क्यों कर रहे हो, एक बात बताइए, जैसे हम टीवी में क्या देखते हैं, जैसे अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, तो गर्मी हम बोलते हैं कि पिछले साल के मुताबिक अब अभी जो गर्मी है बहुत ज्यादा है, तो ये हम कंपेयर ही कर रहे हैं ना, किसके बेसिस पे, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, हमने पिछले साल में भी स्टैटिस्टिक लिया होगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम आज जो डेटा ले रहे हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका डेटा कंपेरेबल नहीं है तो आपकी जो स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं मानी जाएगी, पहली बात समझ गए। चलिए, अब
ये हमारा था मेथड जो कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, जो कि हम प्लूरल सेंस में बात कर लिए। अब सिंगुलर सेंस में बात करेंगे। सिंगुलर सेंस में हमने क्या बोला था, जो भी आप मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा की बात कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली जो स्टेजेस की बात कर रहे हो ना स्टैटिस्टिकल स्टडी में, ठीक है, उसके बारे में ये सिंगुलर सेंस बात करेगा। क्लियर? जैसे मेथड, इट इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स। आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कैसे डील कर रहे हो, क्या क्या मेथड अपना रहे हो, लाइक मेथड में आपने कलेक्शन की बात करी है, प्रेजेंटेशन की बात करी है, ऑर्गेनाइजिंग की बात करी है, इंटरप्रिटेशन की बात करी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बता रहे हो लेकिन सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस की हमने अभी बात कर ली है, प्लूरल सेंस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमने अभी बात कर ली है, ठीक है। अब सबसे पहले सिंगुलर सेंस में अगर बात कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स की, तो आपका स्टेज फर्स्ट क्या होना चाहिए, योर कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में उसके बाद क्या स्टेज टू होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, अब ऑर्गेनाइज करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि डेटा आप जो कलेक्ट किया होगा आपने बहुत ही जंबल्ड वे में किया होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को ऑर्गेनाइज करिए, उसके बाद प्रेजेंट करिए, प्रेजेंट होगा, एनालिसिस होगी और इंटरप्रिटेशन होगी। क्लियर? ये एकदम सिक्वेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि स्टेज आपको कहीं भी डेविएट करना होगा, कहीं भी ये नहीं कि कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद डायरेक्ट एनालिसिस पे आ गए, ये ऐसा नहीं करना है। ऐसा करिएगा तो स्टैटिस्टिक्स जो आपने लिया है, फैक्ट आपने लिया है, वो रिजल्ट कभी भी नहीं देगा। अब देखिए, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये है मेन एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप, जब भी आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हो तो पहला स्टेज क्या होता है, और पहला स्टेज आपका कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। एंड द टेक्निक इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। क्लियर? आपको ये कलेक्शन ऑफ डेटा ये बता देगा कि आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है। क्लियर? अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की बात होगी, है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आफ्टर कलेक्शन डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आपकी डेटा एडिट की जाएगी, आपकी डेटा को क्लासिफाई किया जाएगा, आपका डेटा कौन सा नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पूरी बात कर ली, ये ध्यान रखिएगा रिसर्च में आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ना है, चूंकि आज इंट्रो क्लास है तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपने क्लासिफिकेशन सेकंड पे कर लिया है। अब डेटा इज प्रेजेंटेड इन सम सुटेबल मैनर, है ना, और वो सुटेबल मैनर क्या क्या होना चाहिए, आइदर योर डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और टेबल और डायग्राम और ग्राफिकली, है ना, रिप्रेजेंटेड। तो ये डेटा आपको कैसे प्रेजेंट करते हो, जितना अच्छा डेटा प्रेजेंट करिएगा उतना ही आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई डेटा हमने अच्छा से प्रेजेंट किया है, है ना। आप उतने अच्छे से ही रिप्लाई कर पाइएगा। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में देखा होगा कि डेटा जब हमारा रिसर्च कोई एक्सटर्नल आते थे तो डेटा को हम जितने अच्छे से प्रेजेंट किया करते थे, वो फाइल जब देखते थे, फाइल देख के हमारे खुश हो जाते थे। क्यों खुश हो जाते थे, क्योंकि आपने डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। वो अलग बात है, पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा आपने, अलग बात है, है ना। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन होती है अच्छी ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। बोलते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा की। अब एनालिसिस ऑफ डेटा में आप डिफरेंट तरीके के आप अपने टूल लगाओगे, स्टैटिस्टिकल टूल लगाओगे। अब स्टैटिस्टिकल टूल में क्या क्या आएंगे, आपके सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा, आपके मेजर ऑफ डिस्पर्सन हो जाएंगे, आपको कोरिलेशन रिग्रेशन हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपका बायोनोमियल स्क्यूनेस कर्टोसिस सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका एनालिसिस ऑफ डेटा में सबसे पहले ये देखिए कि डेटा हमारी किस चीज की मांग कर रहा है, है ना। ऐसा नहीं करोगे ना डेटा की आपका डेटा सेंट्रल टेंडेंसी की मांग कर रहा है, आपका डेटा मीन मीडियन मोड की मांग कर रहा है, आप लगा दिए कर्टोसिस, आप लगा दिए स्क्यूनेस, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एनालिसिस ऑफ डेटा में हम डेटा को सभी तरीके से एनालिसिस करेंगे, और ये आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी हमने बात की, मेजर ऑफ डिस्पर्सन बात की, एक्सेट्रा। क्लियर? और लास्ट आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन में ये आपका लास्ट मेथड है, है ना। इट इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल थिंकिंग स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब आपको इसके लिए इंटरप्रेट करने के लिए डेटा को, इसीलिए डेटा जब भी एक एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, पैनल में एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, ताकि आप जो स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट करोगे ना, तो उसके लिए उनके पास पहले से ही स्किल होता है, पहले से ही एक्सपीरियंस होता है, पहले से ही उनके पास थिंकिंग होती है उस तरीके से, ताकि वो डायरेक्ट देख के, है ना। अब कई बार यहां तक सोचिए, जब भी आप
पीजी करते हो, है ना, जैसे मान लो एमबीए किया आपने, ठीक है, तो एमबीए में अगर आपने फाइल ले गए ना, तो अगर आपने फेक रिसर्च की होगी, या सपोज करो समर ट्रेनिंग होती है, ठीक है, समर ट्रेनिंग में आपने फाइल, कई लोग होते हैं कि कुछ लोग एक्चुअल करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बनवा लेते हैं फाइल, ठीक है, दो महीने का समर ट्रेनिंग होता है जनरल, दो महीने मजे करते हैं, बाद में वो पैसे दे के बनवा लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल आता है ना मेरे भाई, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि किसने रिसर्च किया है और किसने रिसर्च नहीं किया है, ठीक है। जिसने नहीं किया है वो क्लियर बता देता है कि चलिए ये फाइल जो है फेक है, क्लियर। तो वो किसके बेसिस पे होता है? वो होता है स्टैटिस्टिकल थिंकिंग के बेसिस पे, वो होता है स्किल एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्लियर। एंड द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड द फाइनल कॉन्क्लूजन ड्रॉन फॉर द फ्रॉम द एनालाइज डेटा। अब यही इंटरप्रिटेशन जो है वो फाइनल कॉन्क्लूजन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये था आपका पांच मेथड इन योर सिंगुलर मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा सिमिलैरिटी या डिफरेंस बोलो, जो भी बोलो, हम देख लेते हैं प्लूरल और सिंगुलर सेंस में हमने क्या क्या पढ़ा। जब आप बात किए प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की, तो प्लूरल सेंस डील विथ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की बात की हमने। लेकिन सिंगुलर सेंस की जब आपने बात की, तो हमारा स्टैटिस्टिक्स इज अ बॉडी ऑफ वेरियस मेथड एंड टूल। हमारा प्लूरल सेंस क्या था? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात की आपने, लेकिन सिंगुलर सेंस में आपने मेथड की बात की, टूल्स की बात की, ठीक है। प्लूरल सेंस जो है आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, सारा का सारा जो डेटा होगा वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा, ठीक है। लेकिन सिंगुलर सेल क्या होता है? सिंगुलर सेंस में आप बात करते हो, इट इज बेसिकली अ टूल ऑफ एनालिसिस, है ना, ये एक टूल है बेसिकली एक एनालिसिस का, क्लियर। अब प्लूरल सेंस और इज ऑफन इन द रॉ स्टेट। आपने बस न्यूमेरिकल फैक्ट्स गेदर किया है, आपने बस डेटा को कलेक्ट किया है, रॉ स्टेट इसलिए मानते हैं। अब इसको डेटा को तो कलेक्ट कर लिया, अब आप जब प्रोसेस करते हो बाई अप्लाइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, है ना, तो कलेक्शन ऑफ डेटा किया, ऑर्गेनाइजिंग किए, इंटरप्रेट करते हो, क्लियर। तो वो क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल आप कर रहे हो सिंगुलर सेंस में उसकी स्टडी। और सिंगुलर सेंस में हम क्या करते हैं? इट हेल्प इन प्रोसेसिंग द रॉ डेटा, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल इन प्लूरल सेंस इज क्वांटिटेटिव, बट सिंगुलर सेंस इट इज एन ऑपरेशनल टेक्निक। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डेटा को प्लूरल सेंस में लेते हो, तो वहां हम हमेशा क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां हमने क्वांटिटेटिव डेटा की बात की, लेकिन जब भी सिंगुलर सेंस में बात की, अब उसी क्वांटिटेटिव डेटा को आप ऑपरेट करिएगा बाय अप्लाइंग वेरियस मेथड, ठीक है। तो इसी के लिए हम सिंगुलर सेंस में डेटा को ऑपरेशनल टेक्निक भी मानते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई बिलीव कि आपको जो फर्स्ट क्लास है हमारी स्टैटिस्टिक्स की, वो बहुत पसंद आई होगी, है ना, और आप चाहेंगे कि सर हमारे लिए जो क्लास है स्टैटिस्टिक्स की और लेके आइए, ठीक है। तो हम जरूर आपको स्टैटिस्टिक्स कवर कराएंगे यहाँ पे, है ना। प्लीज आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू आज के लिए हमारे तरफ से। और आपके लिए क्या है कि प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच जिनको भी जरूरत होगी, है ना। अगले क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की मीन के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, हमारी मीन क्या होती है, मीन चूंकि बड़ा है तो हम डिफरेंट पार्ट वाइज में पढ़ के आपको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई बिलीव कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।